अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनएफटी प्रमोटर। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक गेम प्ले प्रोजेक्ट शेयर करने वाले हैं लीग ऑफ किंगडम, जिसको आप लोग मोबाइल में और अपने लैपटॉप के अंदर खेल सकते हैं, जो कि वेब बेस्ड गेम है। इसके अंदर मार्केट और आप लोगों को कौन सा टोकन लोका के तौर पर मिलता है, आप लोगों ने इनका कम्यूनिटी किस तरह ज्वाइन करना है, आज की वीडियो में मुकम्मल रिव्यू देंगे। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहले मरतबा हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे आप लोग लीग ऑफ किंगडम को स्टार्ट कर सकते हैं, खेल सकते हैं। इसके अबाउट की आप लोगों को वीडियो भी मिल जाती है, नेक्स्ट आप लोग इनकी स्टोरी भी पढ़ सकते हैं, जहाँ पर आप लोगों को लीग ऑफ किंगडम इज़ एन MMO स्ट्रेटजी बेस्ड गेम वेयर गेमर कैन फाइट फॉर डोमिनेशन, यू कैन फुली ओन seamlessly trade digital asset through NFT technology। तो यहाँ पे आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट आप लोगों को फाइट फॉर हेजमनी, एक्सपेंड योर अलायंस टेरेटरी, अलेक्ट योर लीडर, यानी कि आप लोगों को इस गेम के अंदर अपना लीडर चूज करना है। इसके अंदर बैक चेन जो ब्लॉक चेन फीचर्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। इसके अंदर आप लोगों को ओनरशिप मिलेगी लैंड की, उसके डिजिटल एस्टेट, यानी कि आप लोगों को जिस तरह रियल एस्टेट होता है उसी तरह इसका डिजिटल फॉर्म के अंदर ओनरशिप दी जाएगी। नेक्स्ट आप लोग ड्रैगो अडॉप्ट करेंगे, जिसकी अर्निंग DST टोकन की बेस पे स्टार्ट होगी। लोका इसका गवर्नेंस टोकन है किंगडम का, जिसको बनाया गया इस गेम को रन करने के लिए। इसके अंदर जो करेक्टर्स हैं जो आप लोग चूज़ करेंगे मेटावर्स को और ज़्यादा इन्जॉय करने के एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, तो यहाँ पे आप लोग इनके पार्टनरशिप कंपनीज भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इस तरह गेम प्ले आप लोगों को इंटरफेस मिलेगा, जहाँ पे आप लोग गेम खेल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं गूगल के ज़रिए इसके अंदर लॉगिन करना चाहता हूँ, या आप लोग गेस्ट ID खेलना चाहते हैं तो आप लोग गेस्ट भी चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हम लोगों ने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर हमारे पास अकाउंट आया गूगल का, तो जल्दी से मैं इसको साइन इन कर देता हूँ किसी भी एक ईमेल के ज़रिए, और उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो आप लोगों ने भी इसी तरह कोई भी एक ईमेल चूज़ करनी है अपनी, जो भी बनाई होगी। उसके बाद आप लोगों को टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे एक्सेप्ट करनी है और आप लोग गेम स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एप्पल ID, फेसबुक या अदर सोशल मीडिया लिंक के ज़रिए भी आप लोग गेम खेल सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों ने अब नेम देना है, जो कि 3 से 15 इंचों का होना चाहिए। और जहाँ पे मैंने एक यूनिक सा नेम दिया, ओके पर क्लिक कर दिया, जहाँ पे आप लोगों को गेम स्टोरी देखने को मिल जाती है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास करेक्टर आ चुके हैं, जो कि एलिसिया के नाम से है। माय लॉर्ड, आवर गेम इज़ अंडर अटैक बाय मॉन्स्टर आर्मीज़। तो यहाँ से हमें इसको सेव करना है इसके कैरियर पिजन्स को लेके, और आप लोगों को यहाँ पर ट्यूटोरियल भी मिल जाता है। यानी कि आप लोग अब देख सकते हैं कि हमारे पास कितने महल आ चुके हैं, और यहाँ पर पैलेस जो कि आप लोगों को दिए जाएंगे। आप लोग क्रश करेंगे उन बीस्ट को जो इस रियासत को, यानी कि गेम एक रियासत के तौर पर काम करती है, और आप लोगों को सोल्जर भेज के उनको फिनिश करना है। इसी तरह आप लोगों को अब देख सकते हैं कि हर पैलेस से आर्मी निकल चुकी है, और जो इनके बीस्ट हैं उनको अटैक हो रहा है, और इस वक्त वो अटैक जो है वो उन बीस्ट के साथ बैटल हो रही है, जो डिफरेंट ड्रैगन के ज़रिए भी और अदर वे से भी वो आपस में लड़ रहे हैं। और अब पैलेस में वापस जा चुकी है, और अब आर्मी आ रही है बिग बीस से लड़ने के लिए। तो यहाँ पे इनकी फाइट स्टार्ट हो चुकी है। आप लोगों के बीच इस तरह अपने अपने आर्मी अपने लैंड के ज़रिए आप लोग इनसे खेलेंगे। पैलेस आप लोगों को देखने मिलता है, मॉन्स्टर अब मर चुके हैं तमाम के तमाम, जो कि अब क्लियर हो चुके हैं। इसी तरह अब आप लोगों को अपने जो कि इसमें आप लोगों को किंग बताया गया है, जो कि इसके अंदर करेक्टर है, उसके फादर की डेथ हो चुकी है, उसके बाद हमें जाना है। तो यहाँ पे आप लोग ओके करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, अपना एक न्यू पैलेस जनरेट करेंगे। यानी कि एलिसिया इवन दो मॉन्स्टर हैव गॉन थ्रेट रिमेन, आप लोगों को अभी भी खतरा है, वो दोबारा भी आ सकते हैं। तो आप लोगों को दूसरे जो इसके अंदर करेक्टर्स हैं, दूसरे किंग हैं, उनसे सिटीजनशिप के तौर पर आप लोगों को कवर ग्राउंड स्टार्ट करने हैं। तो आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लोगों को फार्मिंग बिल्ड आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बिल्ड किया, और यहाँ पे अब एक न्यू होम स्टार्ट हो चुका है। इसी तरह आप लोगों को इसके अंदर कितने 1 लाख सीड्स ग्रो मिलती है, 98,000 हमारे पास ट्रीज़ हैं,
वेल डन। और यहाँ पे आप लोगों को बाकी चीज़ें मिल जाती हैं, आप लोग भी इसके अंदर काम कर सकते हैं, बिल्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। और आप लोगों ने अब अगर नई क्रिएट करनी है नेक्स्ट सोल्जर ब्रैक के ऊपर, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और हमारे पास एक न्यू पैलेस आ चुका है। और इसके अंदर आप लोग क्वेस्ट पर क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं कि आप लोगों को रिवार्ड भी दिया जा चुका है, आप लोग क्लेम भी कर सकते हैं। आप लोगों ने क्लेम करना है, आप लोगों के रिवार्ड इंक्रीज होते जाएंगे। अब आप लोग बैक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिसर्च टेक्नोलॉजिकल ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाता है। आप लोग स्कॉलर पर क्लिक करने के बाद इनका करेक्टर इन पर रिसर्च कर सकते हैं। और इस पर जैसे रिसर्च आप लोग करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट स्कॉलर का रिसर्च फूड प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जो कि आप लोग हमारी प्रोफाइल पर देख सकते हैं। तो अगेन अगर हम आप लोगों के सामने क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इनकी रिसर्च कंप्लीट हो चुकी है। और अब आप लोगों को नेक्स्ट लेवल जाना है तो आप लोग बिल्ड पर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास अब न्यू होम आ चुका है और हमारे पास कुछ रिवार्ड भी आ चुके हैं और रिवार्ड इंक्रीज हो चुका है। इसी तरह आप लोग नेक्स्ट लेवल पर अगेन क्लिक करेंगे, बिल्ड पर क्लिक करेंगे और इसी तरह ये तमाम लैंड जितनी भी आप लोगों को दिख रही हैं इसको आप लोगों ने कम्प्लीट करना है। तो यहाँ पर मैं अगेन इस पर क्लिक करता हूँ और हमारे पास जो अब न्यू बिल्ड है, यानी कि आप लोगों को जितने भी इसके अंदर माइन करने हैं, जितना भी बिजनेस है उसका रिवार्ड आप लोगों को मिल जाएगा और अलिसिया के थ्रू आप लोग इसके अंदर काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आप लोगों को अगेन अपना लेवल इंक्रीज करना है, हम लेवल 2 तक पहुंच चुके हैं। और अब अगेन आप लोग लेवल 3 पर करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों को कैसल दिया गया है लेवल 2 का और आप लोग अगेन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग लेवल 2 से आगे आप लोगों को ब्रैकेट दी जाएंगी, जो आप लोगों को ट्रेन सोल्जर होंगे, ताकि आप लोग लेवल अप करने के बाद इन गेम को खेल कर और ज़्यादा फ्री के अंदर बिल्डिंग वगैरह क्रिएट कर सकें और उसके अंदर फार्मिंग वगैरह भी कर सकें। तो हम लोग अगेन क्लिक करते हैं और हमारे पास लैंड मौजूद है, फार्मिंग इस वक्त हो रही है, आप लोग देख सकते हैं। और नेक्स्ट आप लोगों को अब अगेन क्लिक करना है, बिल्ड करना है और सो ऑन बैरक आप लोगों को अब देखने को मिल जाता है, जो आप लोग क्रिएट कर रहे हैं। और इस पर बैरक को और ज़्यादा लेवल इंक्रीज करने के बाद आप लोग स्ट्रॉन्ग एनिमी को बैटल में डिफीट दे सकते हैं। तो हम अब ट्रेन करते हैं अपने सोल्जर को और यहाँ पे ट्रेनर आ चुके हैं। आप लोग ट्रेन पर क्लिक करेंगे, इसका रिवार्ड वगैरह मिलेगा। और अगेन आप लोगों ने क्लिक करना है, यहाँ पे लेवल अप पर लेके जाना है, जो कि आपका लैम्बर कैंप है। उसके बाद आप लोगों की आर्मी वहाँ पे स्टे करेगी। जब आप लोगों को कोई एनिमी कोई थ्रेट आएगा तो आप लोग लेवल अप करने के बाद उससे बैटल करेंगे और आप लोग इसको खेलेंगे। तो नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे आपकी प्रोफाइल भी मिलती है, आप लोग इसके अंदर रिचार्ज भी कर सकते हैं, आप लोग विड्रॉ भी कर सकते हैं, मैसेजेस हैं, अलायंस है, फील्ड है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाती है। नेक्स्ट आप लोगों को इसका वाइट पेपर मिलता है, जिसमें आप लोगों को मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी गई है, गेम प्ले किस तरह होगा, इसको किस तरह खेलना है, कौन कौन से करेक्टर्स हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों को मुकम्मल टीम एक्सपर्ट मिलती है जो इस पर काम कर रही है और आप लोग भी इसको खेल सकते हैं, ताकि आप लोग गेम प्ले के बारे में जान सकें, आप लोग गेम प्ले के मूड के बारे में, जिसमें आप लोगों को डिफरेंट बिल्ड किंगडम, ज्वाइन अलायंस, स्ट्रेंथ किंगडम, और इसके अंदर आप लोगों को कंकरर करने का ऑप्शन मिलता है। आप लोग बैटल कर सकते हैं बीस्ट के साथ, जिनको आप लोगों ने हराना प्लेयर वर्सेस प्लेयर या एमओओ के थ्रू। तो यहाँ पे आप लोगों को ड्रैगो एनएफटीज भी मिलते हैं, जिसके कुछ एलिमेंट्स वगैरह आप लोगों को यहाँ पे हम शो कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को इस तरह स्टोरी वगैरह देखने को मिलेगी, जहाँ पे आप लोगों के लिए ड्रैगो जिनेसिस मौजूद हैं। आप लोग इनको अपग्रेड कर सकते हैं, एज एनएफटीज ले सकते हैं, जो आप लोगों को बैटल करने में और ज़्यादा हेल्प करेंगे। और नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाता है किस तरह का गेम प्ले है और आप लोगों को किस तरह खेलना है। तो नेक्स्ट आप लोग इससे अर्निंग वगैरह करेंगे, इसका कॉइन वगैरह है ड्रैगो कॉइन। और नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि आप लोगों के लिए कैसे एनिमीज को फाइंड करना या इसको खेलना, आप लोगों के जो पैलेस हैं उसको किस तरह सेव करना, यह सारा कुछ आप लोगों को ड्रैगो सेव करेगा। और आप लोगों के लिए ये डायमंड भी लाएगा, जो कि आप लोगों की स्ट्रेंथ को और ज़्यादा इंक्रीज करेगा। यहाँ पे आप लोगों को टोकनोमिक्स रोड मैप, ये तमाम प्ले टू अर्न सिस्टम आप लोगों को मिल जाता है, जिसमें आप लोग तमाम सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, गेम प्ले किस तरह हो रहा है, गेम फाइव किस तरह आप लोगों को प्रॉफिट देता है, आप लोग इनकी टीम के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं, जो आप लोगों को CEO, CTO और कौन बंदा किस डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं। इसी तरह आप लोग इनके ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया लिंक को, जिसमें आप लोगों को तमाम किस्म के अपडेट्स वगैरह दी जा रही हैं और साथ ही आप लोगों को बताया जा रहा है कि आप लोग प्रॉफिट वगैरह यहाँ से हासिल करें। और नेक्स्ट आप लोग इनका NFTs वगैरह को बाय कर सकते हैं ओपन सी वेबसाइट पर।
जहाँ पे आप लोगों को मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिलती है।